जीसस हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं ट्रिपुरे ख्वाजा बेस्ट कॉन्सेप्ट पावर यूट्यूब चैनल से आपसे मुकाबला करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, डेरिवेशन ऑफ गोल्डन रेशियो। ये इसको हम फाई कहते हैं, फाई को हम पी एच आई फाई। ये होता है 1.6 रेशियो 1। अब ये कैसे ड्राई करेंगे, सबसे पहले इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता दूं क्या होती है। ये डेफिनेशन गोल्डन रेशियो ये होती है कि आप पहले दो क्वांटिटी उसको सम करें। सपोज एक क्वांटिटी आपकी एक्स है और दूसरी क्वांटिटी आपकी वाई है, फिर आप इसको बड़ी क्वांटिटी, सपोज एक्स आपका लार्ज है और वाई आपका स्मॉल है, तो बड़ी क्वांटिटी आप उसको डिवाइड करोगे और फिर आप इस इक्वल लिख के बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी डिवाइड करेंगे। तो ये इसको हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। इसको हम नोटेशन देते हैं ग्रीक लेटर फाई से, और ये इक्वल होता है फाई अपॉन वन इज इक्वल टू 1.618 अपॉन वन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.618 रेशियो वन। इसको हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। अब ये कैसे ट्राई होगा, सबसे पहले आप एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू फाइव को ये, और फिर यहां से ये, उसके बाद एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू फाइव, ये इसके इक्वल। इसको हम इक्वेशन वन लिखेंगे और हम इसको इक्वेशन टू लिखेंगे। अब ये टू इक्वेशन से ये अपने हासिल होगा एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स की जगह फाइव वाई आ जाएगा, वाई सेम है और यहां डिनोमिनेटर में एक्स है तो ये आपका फाइव वाई आ जाएगा इज इक्वल टू ये आपका फाइव। अब इसको हम सेपरेट करेंगे क्योंकि ये इसको भी डिवाइड करा है, इसको भी डिवाइड करा है फाइव वाई, तो फाइव वाई अपॉन फाइव वाई लिखेंगे इज इक्वल प्लस वाई अपॉन फाइव वाई लिखेंगे इज इक्वल टू फाइव। ये यहां पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा वन प्लस ये आपका वाई वाई कैंसिल वन अपॉन फाइव हो जाएगा इज इक्वल टू फाइव। अब हमें ये डिनोमिनेटर में फाइव बनाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय फाइव ऑन बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा वन को मल्टीप्लाई फाइव फाइव हो जाएगा प्लस ये डिवीजन में तो ये आपका वन बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फाइव स्क्वायर, ये फाइव स्क्वायर, इसको या साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और वन की भी साइड हम चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है आपका, हमारे पास ऐसे एक्स होता है यहाँ फाइव है तो फाइव इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, या आपका ए क्या है वन है, बी क्या है आपका माइनस वन है और सी क्या है आपका माइनस वन है, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी, तो माइनस माइनस आपका वन हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही हो जाएगा, माइनस फोर ए क्या है हमारा वन है, सी क्या है हमारा माइनस वन है अपान टू ए क्या है हमारा वन है, ये हम सॉल्व करेंगे तो ये जनाब आ जाए वन प्लस माइनस वन माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये आपका फोर बन जाएगा अपॉन टू। अब ये प्लस है और माइनस है तो आप सिर्फ पॉजिटिव रेशियो लो, क्योंकि पॉजिटिव रेशियो इसलिए लेते हैं कि रेशियो में हम माइनस को मेयर नहीं करते, माइनस रेशियो कभी मेयर नहीं होता है, तो आप पॉजिटिव साइन लो वन प्लस रेडिकल फाइव अपॉन टू, तो ये जनाब आपका हो जाएगा 1.618, तो ये आपका आ जाएगा गोल्डन रेशियो। इसका एक दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब हम इसको गोल्डन रेशियो क्यों कहते हैं,
गोल्डन रेशियो इसको इसलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक ने ज्यादातर जो मोस्टली जो कायनात में जो चीजें बनी है वो अल्लाह पाक ने गोल्डन रेशियो में बनाई है। और गोल्डन रेशियो मिसाल तौर एक हाइट वाली बड़ी हाइट वाली कोई बिल्डिंग है, इमारत है, उसका अगर हम दो कलर करते हैं, मिसाल हम दो पार करके उसके दो कलर करते हैं, अगर वो दो कलर गोल्डन रेशियो में होंगे तो वो बहुत ही बिल्डिंग खूबसूरत लगेगी। इसी तरह अगर कोई गर्ल है उसका यहाँ हेड से लेकर नोज तक और नोज से लेकर चिन तक, अगर वो आपके जो गर्ल है वो गोल्डन रेशियो में होंगे, उसकी ये साइज बड़ी है ये छोटी है, तो वो गोल्डन रेशियो में अगर उसका फेस होगा तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी, मोस्ट ब्यूटीफुल लगेगी गर्ल। अब हम आते हैं इसकी डिसीजन करने के लिए दूसरे जो तरीका मैंने आपको कहा था। मिसाल के तौर पे आपका ये होता है, एक साइड होती है ये आपकी लाइन है, इसको हम ए कहते हैं, ये बी, और ये है आपकी पॉइंट सी। ये देखो आपका ए सी छोटा है और सी भी आपका बड़ा पार्ट है। ये असल में मेन में भी होता है, मेन के क्या है कि यहां हेड से लेकर नेवल तक और नेवल से लेकर फीट तक ये भी गोल्डन रेशियो में जो मेन होता है वो गोल्डन रेशियो में होता है। कैसे? हेयर से लेकर नेवल तक और नेवल से लेकर फीट तक ये भी जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, जो मेन है वो गोल्डन रेशियो में होता है। अब ये यहां हम सपोज ए बी को हम वन कहते हैं, ए बी वन के इक्वल है मिसाल के तौर पे, और ये सी बी आपका जो है वो सपोज एस के बराबर होता है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये आपका एस के बराबर है। अब एसी क्या होगा, एसी क्या होगा? अब देखो यहां फिगर में ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, प्लस सी बी। ए बी किसके बराबर है? वन के। ए सी हमें फाइंड करना है और सी बी हमारा क्या है? एक्स है। तो ये जनाब ए सी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स हो गया, ये साइड आपकी। अब हमारी डेफिनेशन क्या है कि दो साइड को ऐड करो, हमने ये ऐड कर लिया, और इसमें जो बड़ी साइड है इसको डिवाइड करो, बड़ी साइड आपकी एक्स है, और फिर बड़ी साइड को ऊपर रखो और छोटी को नीचे रखो। ये हमारी है गोल्डन रेशियो की बेसिक डेफिनेशन है, इसी हिसाब से ये हमारा आ गया। अब ये एक्स और एक्स आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बन गया वन अपान एक्स और ये बन गया एक्स अपान वन माइनस एक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर ये इस सारे लेफ्ट पे लेकर आओ तो ये आपका प्लस एक्स बन जाएगा और ये आपका माइनस वन बन जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, एक्स इज इक्वल टू, अब ये ए यहां, ए क्या है आपका वन है, बी क्या है आपका वन है, सी क्या है आपका माइनस वन है, तो क्वाड्रेटिक माइनस बी तो ये आपका हो जाएगा माइनस वन, प्लस माइनस बी स्क्वायर वन को स्क्वायर करेंगे वन ही हो जाएगा, माइनस फोर ए क्या है आपका वन, सी क्या है आपका माइनस वन, अपान टू ए क्या है आपका वन। तो ये आप सॉल्व करोगे तो माइनस वन प्लस माइनस ये वन माइनस 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 प्लस हो जाएगा वन प्लस फोर अपान टू, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रेडिकल फाइव अपान टू। इसका हम अगर पॉजिटिव लेते हैं तो वन प्लस रेडिकल फाइव अपान टू ये आपका आएगा 0.618। ये आपका गोल्डन रेशियो नहीं है, लेकिन घबराना नहीं, हम आगे चलते हैं। अब हम
ये पॉजिटिव आ गया, अब नेगेटिव लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रेडिकल फाइव अपॉन टू, तो ये आपका आंसर आया माइनस 1.618। ये आपका माइनस यहाँ निगलेक्ट करो, क्योंकि ये यहाँ लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा 1.618। ये आपका आ गया गोल्डन रेशो, रेशो वन। अब ये जो हमने पहले ये वैल्यू निकाली है, इसको हमने निगलेक्ट क्यों नहीं किया, इसलिए कि अगर हम 1/5 लिखते हैं, गोल्डन रेशो का हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो जनाब ये आ जाएगा। इसका मतलब ये गोल्डन रेशो और ये 0.618 और ये गोल्डन रेशो 1.618, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आपको बिल्कुल ये गोल्डन रेशो समझ में आ गया होगा, मेरी वीडियो आपको इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।